कैसे सुनाऊं दोस्त दास्तान जिंदगी, दास्तान जिंदगी। डीएलएड प्रशिक्षितों ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर सोमवार को पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई और शिक्षक भर्ती अविलंब शुरू करने की मांग की गई। प्रशिक्षित मोर्चा के अध्यक्ष रजत सिंह का कहना है कि 5 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से डाटा मांगा है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 1,26,000 पद खाली होने के बाद भी विभाग कोई सूचना नहीं दे रहा है। इसी को लेकर छात्रों का प्रयागराज में धरना जारी है। प्रयागराज में हो रही बारिश के बाद भी छात्रों के हौसले बुलंद रहे। छात्रों का कहना है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1,26,000 रिक्त पद होने के बावजूद 5 वर्षों से भर्ती शुरू नहीं हुई है। डीएलएड प्रशिक्षित मोर्चा के अध्यक्ष रजत सिंह ने कहा कि जल्द प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन नहीं आता है तो पूरे प्रदेश के प्रशिक्षित बेरोजगार लखनऊ कूच करेंगे। धरना देने वालों में प्रदेश उपाध्यक्ष विशु यादव, लवकुश मौर्य, धर्मवीर मौर्य, अजीत यादव, सुधीर, अनंत विजय, रचा साहू, पूनम यादव, स्नेहा सिंह आदि शामिल रहीं।